गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक रॉय और आज है दिन बुधवार, 14 दिसंबर है। हम अगले दो हफ्तों में नए साल में एंटर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे सेशन। आज के सेशन को हम इम्पोर्टेंट यू नो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई कैन सी कुछ नेम है मेरे पास। आफरीन खान है, सुरूपा घोष हैं, नीरज तिवारी हैं, श्याम सुंदर हैं, खुशी ठाकुर हैं, पिया एंड पाथ पर डिगे रहो, सुमित्रा कुमारी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लेट्स टॉक अबाउट टुडे सेशन। टू द पॉइंट बात करते हैं और आज सबसे पहले वो टॉपिक कवर करेंगे जो सबसे हैवी है आज के कंटेंट में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा जी का ज्ञान पहले आ गया है। जरा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये जिंदगी की कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जो आपके सामने लेके आता हूं। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो चीजें हैं, कंफर्टिंग लाइज वर्सेस अनप्लीजिंग ट्रुथ। हम टीम, कैन यू हियर मी, टीम कैन यू हियर मी। अरे आशा लता, मुंह नहीं लटकाने का। आशा लता, आई टुक योर नेम, खुश, हैप्पी। सुमित्रा कुमारी, कार्बन बॉर्डर टैक्स जो था वो हमने कवर कर लिया है तकरीबन एक हफ्ते पहले, बट एक बार देख लीजिए। शुरू करते हैं टीम, कंफर्टिंग लाइज। अगर आप यहां पे देखेंगे तो जब जहां पे हमको बहुत सी बातें होती हैं, हम हमेशा भूल भुलावे में रहते हैं, हम खुश रहते हैं। कंफर्टिंग लाइज यानी वो झूठी चीजें जो हमें हमेशा कंफर्टेबल बनाती हैं। कोई कह, अरे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो सिलेक्शन होना ही होना है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन से। ये हुआ कंफर्टिंग लाइन। हम में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, हम कंफर्टिंग लाइन के चक्कर में पड़े रहते हैं इंस्टेड ऑफ अनप्लीजिंग ट्रूथ। हम कड़वी सच्चाई को देखना भी नहीं चाहते, हम कड़वी सच्चाई को हम फेस नहीं करना चाहते हैं। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप यूपीएससी को ब्लेम देंगे, आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ब्लेम देंगे, आप अपने पेरेंट को ब्लेम देंगे, आप क्वेश्चन पैटर्न को ब्लेम देंगे, लेकिन आप एक बार नहीं सोचेंगे कि कड़वी सच्चाई क्या है। कड़वी सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं प्रेपरेशन में कोई मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कोई कमी है। यही है अनप्लीजेंट ट्रूथ। आप आज अपना पेज, पेन एंड पेपर लीजिए और उन कड़वी सच्चाइयों की लिस्ट बनाइए जो आपको फेस करना है किसी कीमत पर। टीम, इज दैट क्लियर? टीम, इज दैट क्लियर? कड़वी सच्चाई, अनप्लीजेंट ट्रूथ, अगर आप इसको फेस करेंगे, आई कैन अश्योर यू आप आईएएस बन रहे हैं। अदरवाइज आपका यूपीएससी प्रेपरेशन जो है पंचवर्षीय योजना में बदल जाएगा, पंचवर्षीय योजना में बदल जाएगा। मोस्ट पीपल डोंट रियली वांट द ट्रूथ, दे जस्ट वांट कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस दैट व्हाट दे बिलीव इज द ट्रूथ। लेकिन अनप्लीजेंट ट्रूथ विल लीड यू टू सक्सेस और कंफर्टिंग लाइज आपको भीड़ का हिस्सा बनाएगा। चॉइस इज एंटायरली योर्स, चॉइस आपका है। चलिए आगे चलते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, चेंज इन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्टेटस को बाय चाइना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि लगातार सुर्खियों में है इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देने के लिए। फ्लैश फ्लड्स इन तमिलनाडु, ये मैंने इमेज लिया है और मैं फ्लैश फ्लड्स को हाईलाइट करना चाहता हूं। प्रोविजंस ऑफ पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये वुमेन एम्पावरमेंट के नजरिए से देखेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के नजरिए से देखेंगे और ये सोशल जस्टिस का भी हिस्सा होगा, सोशल जस्टिस का भी हिस्सा होगा। वुमेन, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन जो हमारे यहाँ वर्कफोर्स में शामिल नहीं हो रही हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, पांचवा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया के लेबर फोर्स में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन लगातार कम होता चला जा रहा है। इसी को देखते हुए हमने पॉश एक्ट लिया है। आज के न्यूज़पेपर में एक इसके बारे में आइडिया दिया गया है। एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा, यस इट इज डन। नाउ कोलिजियम सिस्टम के बारे में एक एडिटोरियल है जो आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि मैंने एटलीस्ट चार दिन लगातार कोलिजियम सिस्टम के बारे में कवर किया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जिसको मैं पढ़ाऊंगा आपके, या तो मैं कल कवर करूंगा या आपके वीकली न्यूज़पेपर में, वीकली करंट अफेयर्स में मैं इसको कवर करूंगा और इसका मटेरियल भी अलाइन करके दूंगा आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रूरल मैन्युफैक्चरिंग, आज का वीआईपी आर्टिकल है रूरल मैन्युफैक्चरिंग, ये आज के एडिटोरियल में है और बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। यूएस चाइना बायलेटरल टाइज हैं, डिसेबिलिटी सेंटर्स हैं, टॉक्स ऑफ इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन
और चिप मैन्युफैक्चरिंग। और इसके अलावा मैंने इंडियन एक्सप्रेस से एक आर्टिकल लिया है। कई बच्चों का कहना है सर इंडियन एक्सप्रेस कवर नहीं होता, लेकिन 45 मिनट के सेशन में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए मैंने बहुत ही सेलेक्टिवली वो आर्टिकल कवर किए हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो एक कोट है आपके लिए, उस कोट को हम कहते हैं ईट योर अगली फ्रॉग। क्या है? ईट योर अगली फ्रॉग। फ्रॉग मतलब मेढक, अगली मतलब बदसूरत, योर मतलब आपका, ईट मतलब खाओ, यानी ईट योर अगली फ्रॉग का मतलब यह है कि जो आपका सबसे टफेस्ट वर्क हो। ईट योर अगली फ्रॉग का मतलब यह है कि जो आपका सबसे टफेस्ट वर्क हो। मान लीजिए आपको 10 काम करने हैं, 10 काम करने में वो काम सबसे पहले चूज कीजिए जो आपको पसंद नहीं है। हम में से मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ने में बड़ा मजा आता है, या हिस्ट्री पढ़ने में रहते हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। तो इसी को मैंने बोला है ईट योर अगली फ्रॉग। तो ईट योर अगली फ्रॉग के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या कवर करने जा रहे हैं? हम सबसे पहले वो आर्टिकल कवर करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे हैवी वेट है। तो मैं आपको दिखाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हैवी वेट आर्टिकल कौन सा है। ये द राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग। टीम सबसे पहले एडिटोरियल कवर करेंगे, क्योंकि कई बच्चों का मानना था कि सर एडिटोरियल में आप टाइम नहीं दे रहे हैं। सो मैं एडिटोरियल एनालिसिस सबसे पहले करूंगा आज। क्या करेंगे? एडिटोरियल एनालिसिस सबसे पहले करूंगा, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया है ईटिंग योर अगली फ्रॉग फर्स्ट। ईटिंग योर अगली फ्रॉग, ठीक है टीम, क्लियर है। जब हम रूरल इंडिया के बारे में बात करते हैं तो रूरल इंडिया के बारे में हमें हमेशा एक डेटा मिलता है, एक बात के सुनने को मिलता है कि रूरल इंडिया मतलब एग्रीकल्चर। और ये बात सही भी है कि रूरल इंडिया जो है उसमें मेजॉरिटी ऑफ देखा जाए तो लेबर फोर्स जो है इंडिया का 53 से 55% लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। और कोविड पैंडेमिक के बाद से रिवर्स माइग्रेशन के चलते ये पॉपुलेशन और ज्यादा हो गया, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का जो है उसमें बहुत ज्यादा लेबर फोर्स इन्वॉल्व है। अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनरेगा में काम करने वाले लेबरर्स को क्या किया, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की है और बहुत से स्टेट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में काम करने वाले लेबरर्स को धीरे धीरे आप स्किल सेट कराइए। एक बार हम चलते हैं, क्या है इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर को हम देख लेते हैं। इंडिया के अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो हमें ऐसा लगता है इसमें इंडिया का 55% लेबर फोर्स है, इंडिया का 55% लेबर फोर्स है और ये जीडीपी को लगभग 14-15% जो है ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। ये बात पता है टीम, ये बात पता है बच्चे लोग, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर में 55% लेबर फोर्स इन्वॉल्व है और 14-15% ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। नाउ जरूरत इस बात की है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो लोड है वो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बांटें। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर का लोड है, जो वर्कलोड है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बांटें और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो उसके बाद से वो सर्विस सेक्टर में आ सकते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए आपके पास स्किल्स चाहिए, आपके पास स्किल चाहिए जिसको डेवलप होने में टाइम लगता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे के भी आप लोगों को डिप्लॉय कर सकते हैं। टीम क्लियर है? इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर 55% लेबर फोर्स इन्वॉल्व है, जिसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत से ज्यादा लोड है। इस लोड को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाना होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाने के लिए उनको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग देने के बाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अगर सर्विस सेक्टर में आना होगा तो स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया हुआ है। स्किल डेवलपमेंट मिशन, टीम ये डायग्राम क्लियर है? इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम इनको माइग्रेट कराएंगे, क्योंकि इसमें ह्यूज कैपेसिटी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर अनएम्प्लॉयमेंट को, टीम अगर अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करना है, अगर इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर से माइग्रेशन कराना पड़ेगा। टीम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डायग्राम बना लो जल्दी से। यूएस एस्पिरेंट मुझे, यूपीएससी एस्पिरेंट मुझे नहीं पता बच्चे, क्योंकि टेलीग्राम में हैंडल नहीं करता। मैं एक बार अपनी टीम से पूछता हूं कि क्या टेलीग्राम में यह भेजा जा सकता है। डेफिनेटली आपके लिए बनाया गया। टीम ये डायग्राम क्लियर है जल्दी बताओ, गिव मी अ थम्स अप। टीम इज इट क्लियर? समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? टीम, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सेसिव लोड है, लेबर फोर्स 55% इंडिया का लेबर फोर्स इन्वॉल्व है। हम एग्रीकल्चर सेक्टर से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों को लेके आएंगे, क्योंकि इंडिया में जो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसमें भी एक चैलेंज है स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आप पढ़े हुए हैं लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इजिली अब्सॉर्ब किया जा सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग से धीरे धीरे हम माइग्रेट करेंगे सर्विस सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर के लिए स्किल्स की जरूरत है, लॉन्ग टर्म स्किल्स ट्रेनिंग की। इसी के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई है। टीम क्लियर है? आगे की कहानी सुनो। ये आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल ये कहता है द राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग। हमें, हमारा जनरल परसेप्शन ये होता है कि रूरल कम्युनिटी का मतलब ये है, रूरल इंडिया का मतलब है सिर्फ खेती, जबकि ऐसा नहीं है। अभी पिछले इकोनॉमिक सर्वे में और बहुत से जो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट, उसमें यह बताया गया है कि बड़े शहरों से माइग्रेशन, बड़े शहरों से क्या है, अब धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज हैं वो शिफ्ट हो रही हैं टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज में। अब मुझे जल्दी से एक एक्सप्लेनेशन बनाओ। ये इंडिया का, एक बार देख लीजिए, ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। एक बार जरा हम देखते हैं इंप्लॉयमेंट बाय सेक्टर, 2009-10 का डेटा है। आपको मुझे 19-20 का लेना था, लेकिन आप इसको ले लीजिए, इसको बस एक आइडिया मिल जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर 53%, जो अब लगभग 55% के आसपास है। मैन्युफैक्चरिंग में अभी 11% है, जो अभी बढ़ चुका है। कंस्ट्रक्शन में भी इससे ज्यादा है। ट्रेड में 9% है, ट्रांसपोर्टेशन में है, हॉस्पिटैलिटी एंड स्टेट में है, एजुकेशन सेक्टर में है, गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे कम 2% लोग हैं। यानी हमारा सबसे ज्यादा अब्सॉर्प्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ 14%। दूसरा जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अब इससे बहुत ज्यादा है। ये सही डेटा नहीं है, और ये मैंने बस आइडिया दिया है कि ये इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं। टीम, ये इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, आपको समझाने के लिए ले लिया है, इसको कट कर दीजिएगा। नाउ आगे चलते हैं, सेक्टर वाइज की बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक नया डेटा है, ये कंपैरेटिवली इस डेटा को आप ले सकते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग का जो अगर देखेंगे तो जीडीपी में 16% कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग का 16% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हमें करना क्या है, हमें एग्रीकल्चर से लोगों को माइग्रेट कराना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिससे कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है। मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन 25% तक लेके आना है जीडीपी में। टीम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमें एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में लोगों को ट्रांसफर करना है। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट लोगों को? टीम, लोगों को हमें एग्रीकल्चर से निकाल के मैन्युफैक्चरिंग में लेके आना है। ये डेटा देखिए, आगे चलते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रूरल एरियाज में प्रमोट करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन कौन से गोल होंगे? सबसे पहले रूरल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमें इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है। हमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की जरूरत है। हमें वर्कर्स चाहिए जो कि स्किल्ड हो, जिनका हेल्थ अच्छा हो। उसके अलावा इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। यहां मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मैन्युफैक्चरिंग से इंटीग्रेट करा दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। पहली बात तो यह है कि आपको स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए। टीम, आपको स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए। दूसरी चीज, एनर्जी की एक्सेसिबिलिटी चाहिए। तीसरी चीज, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तभी तो काम करेंगे। चौथा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, क्लाइमेट और इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, रोड नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, वाटर नहीं होगा, तो लोग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं होगा। तो मैंने इंटीग्रेशन कराया है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सा स्कीम लॉन्च किया है, स्किल इंडिया मिशन। टीम, स्किल इंडिया मिशन क्या है?
प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना को देख लीजिएगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल को देख लीजिएगा, डीडीयू जीकेवाई देख लीजिएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोडक्शन स्कीम, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट को मैसिव लेवल पे लिया है। क्योंकि अगर इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके चलना है, यानी हमारी जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है अगर उनका एनर्जी सही तरीके से यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे लेबर फोर्स को स्किल करना पड़ेगा। टीम, अगर हमारा लेबर फोर्स सही तरीके का एजुकेशन, सही हेल्थ, सही ग्रोथ फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, वो अपने रास्ते से भटक जाएगा, वो अपने रास्ते से भटक जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, वो गब्बर बन जाएगा और खलनायक बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वो गब्बर और खलनायक बन जाएगा अगर उसको सही से गुड हेल्थ नहीं, एक्सेस टू एसेंशियल चीजें नहीं होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो अपने रास्ते से भटक जाएगा और डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुद्दे पे आते हैं सीधे, आर्टिकल इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर को देख लीजिए। टीम ये समझ में आया, टीम ये समझ में आएगा, स्किल्ड लेबर्स, इंडस्ट्रियल इनोवेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, गब्बर, पान सिंह तोमर, टीम क्लियर है। अब हम चलते हैं, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन लॉन्च किया। नाउ इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर को देख लीजिए, इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर के अगर एक्टिविटी के नेचर में देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी और क्विनरी है। वर्क कंडीशन के बेस पे देखें तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अगर एसेट्स ओनरशिप के देखें तो पब्लिक और प्राइवेट है। टीम ये डायग्राम आपको अच्छे तरीके से हैंडल करना है, टीम ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से हैंडल करना है, बना के देखना है। टीम ये डायग्राम समझ में आ रहा है, टीम डायग्राम समझ में आ रहा है कि एक्टिविटी के पर्पज से देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी और क्विनरी सेक्शन है। वर्क कंडीशन में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है। एसेट्स ओनरशिप में पब्लिक और प्राइवेट है। टीम क्या है, मैं आपको हर वो चीज दे रहा हूं जो आपको प्रीलिम्स, मेंस, हर एक पर्सपेक्टिव से तैयार कराएगा। ये आज का बेहतरीन आर्टिकल है, मैंने वो आर्टिकल चूज किया जो आपको बड़े पैमाने पे मदद देगा। एक बार डायग्राम देख लो, जल्दी से डायग्राम खींचो, जल्दी से डायग्राम इसको ड्रॉ कीजिए। टीम डन, अच्छा ठीक है, बिलो में मैं बता देता हूं, सिंपल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट। वो थोड़ा सा नीचे वो मार्कर आ गया, इसलिए टीम अब आगे चलते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। ये आपको होमवर्क कराया मैंने, एक बार और देख लेते हैं। ये मैंने माइग्रेशन पैटर्न दिखाया है कि कैसे दिल्ली से या नॉर्थ इंडिया से किस तरीके से माइग्रेशन होता है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। ये पूरा माइग्रेशन का आपको डेटा दिया हुआ है। नाउ पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या है, जब आपको धकिया के निकाला जाता है या आप मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, मजबूर हो जाते हैं। जैसे आप जब मजबूर होते हैं और पुश फैक्टर, किसी मजबूरी के चलते आप कोई जगह छोड़ते हैं तो क्या गाना गाते हैं। टीम अगर किसी मजबूरी के चलते आप कोई गाना कोई परेशानी के चलते कोई जगह छोड़ते हैं, कहीं किसी एरिया से जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो कौन सा गाना चलाते हैं आप। एक विलेन का गाना है, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, ठीक है, या किशोर कुमार का गाना है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। तो हम माइग्रेशन को ऐसे समझते हैं कि पुश फैक्टर वो है कि जो उन कंडीशन के थ्रू, जैसे मान लीजिए कि सर्विसेज वहां पे नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपकी जिंदगी खुश नहीं, आपका ब्रेकअप हुआ है, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया या फिर आपने किसी को छोड़ दिया, पुअर ट्रांसपोर्ट नहीं है, नेचुरल डिजास्टर्स है, वॉर है और फूड का शॉर्टेज है, तो ये क्या हुआ, पुश फैक्टर, ये मजबूर कर देगा आपको क्या करने के लिए, वहां से जाने के लिए, ठीक है। पुल फैक्टर क्या है, यानी जो अट्रैक्ट करेगा, आओ राजा, ठीक है, कम ऑन बॉय, इस तरीके का जो पुल फैक्टर है वो आपको अट्रैक्ट करने वाला है। पुल फैक्टर क्या है, सर्विसेज का एक्सेसिबिलिटी, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन है, लिविंग कंडीशन अच्छी है, जिंदगी अच्छी बीतेगी और फैमिली के लोग वहां पे आपको मिल सकते हैं। तो ये रहा आपका पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। टीम समझ में आया माइग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट,
ठीक है अंबुज कुमार, हम अपडेट कर लेंगे बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पर। टीम क्लियर है? पुश, अब चलते हैं कहानी पे आते हैं। सुनो कहानी, आज का मेरा ये एडिटोरियल कवर कर लेना, इकोनॉमी का फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा। चलिए, द राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग, ये आर्टिकल ये कहता है कि लोगों को ये कॉमन परसेप्शन है कि इंडिया, रूरल इंडिया में सिर्फ खेतीहर किसान होते हैं, गाय बकरी होती हैं और धान और के लहलहाते खेत होते हैं, जबकि ये डेटा कुछ और कहता है। ये आर्टिकल क्या कहता है कि अर्बन रूरल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, अर्बन एरियाज में एक तो लैंड का शॉर्टेज है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसके अलावा अर्बन एरियाज में बहुत से चैलेंजेस हैं। जैसे दिल्ली में अगर देखा जाए तो बढ़ते हुए पॉल्यूशन के चलते बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं ठप पड़ गई हैं। कोविड-19 एक बहुत बड़ा झटका था। इस पिछले एक दशक में देखा गया है कि अर्बन एरियाज से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है धीरे धीरे रूरल एरियाज में शिफ्ट हो रहा है। तो जरा मुझे बताइए कि अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों शिफ्ट होगा, बताते हैं। अगर देखा जाए तो अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट क्यों हो रहा है, उसका फायदा यह है कि इसका बेनिफिट यह होगा कि रूरल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लिमिटेशंस क्या है, तो हम यहां पे बात करेंगे कि अगर रूरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है अर्बन एरियाज से अगर रूरल एरियाज में ट्रांसफर होने लगेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा। दूसरा, चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर देखा जाए इंडियन इकोनॉमी को, तो इंडियन इकोनॉमी के बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ के लिए, इंडियन इकोनॉमी के बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ को अगर मेंटेन करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया के रूरल एरियाज में लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया का बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। टीम नोट कीजिए कीवर्ड्स, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है हम इंडिया के सेंटर से, अर्बन एरिया से निकाल के रूरल एरियाज में लेके जाएंगे। एक बार देखिए, अगर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2019-20 का डेटा देखें तो रूरल सेगमेंट में अगर देखा जाए तो रूरल सेक्टर में इंडिया का जो रूरल सेक्टर है वहां से इंडिया का लगभग 50% मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अगर देखा जाए तो 42% फैक्ट्रीज रूरल एरियाज में है और 62% फिक्स्ड कैपिटल जो है वो रूरल एरियाज में ट्रांसफर हो चुका है अकॉर्डिंग टू एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर 2019-20। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2019-20 क्या कहता है कि रूरल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। 50% जो 42% फैक्ट्रीज रूरल एरियाज में है और 62% फिक्स्ड कैपिटल जो है वो रूरल एरियाज में है। नाउ रिजल्ट क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले दो दशकों में 20 सालों में क्या हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अर्बन एरिया से रूरल एरियाज में जा रही हैं। अगर आउटपुट की बात की जाए तो लगभग 50% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो रूरल इंडिया से आ रहा है, रूरल इंडिया से आ रहा है, ठीक है। अगर इंप्लॉयमेंट की बात बोले तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 44% इंप्लॉयमेंट दे रहा है बट ओनली 41% शेयर इन टोटल वेजेस टू द सेक्टर, जो ये दिखाता है कि अब रूरल एरियाज में भी मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट हुआ है। स्टडीज हैव डॉक्यूमेंटेड सेवरल कॉजेस फॉर द रिलेटिव, अब वो कॉजेस क्या है, वो कौन कौन से कॉजेस हैं, वो क्या कारण है जिससे अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में लोग जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि वेजेस, आपको चीप लेबर अवेलेबल हो रहा है, प्रॉपर्टी का कॉस्ट बहुत कम है, लैंड कॉस्ट बहुत कम है। टीम नोट कर लीजिए, टीम नोट कर लीजिए, रूरल एरियाज अट्रैक्टिव क्यों है, अट्रैक्टिव इसलिए है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्योंकि वेजेस कम है, प्रॉपर्टी का रेट कम है और लैंड का कॉस्ट कम है और एक्सेसिबिलिटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। टीम क्लियर है, रूरल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वेजेस कम है, ठीक है, वेजेस कम है, चीप लेबर अवेलेबल है, प्रॉपर्टीज भी इजिली अवेलेबल है और जमीन की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तीनों नोट कीजिए, वेजेस, प्रॉपर्टी एंड लैंड कॉस्ट। दूसरा क्या है, तीन एक्सप्लेनेशन है, तीन रीजन है, ठीक है, तीन इस रीजन है जो जा रहे हैं इसके चलते ट्रांसफर हो रहा है अर्बन से रूरल एरियाज में। फैक्ट्री फ्लोर स्पेस सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट, अर्बन एरियाज में जो स्पेस है उसका कॉन्स्ट्रेंट है, जो लोकेशन है, जो जगह है वो बहुत लिमिटेड है। अर्बन एरियाज में अगर देखा जाए तो स्पेस का कॉन्स्ट्रेंट है, यानी स्पेस लिमिटेड है और बहुत ही कॉस्टली है, जबकि रूरल एरियाज में इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अर्बनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस आर गेटिंग कंजेस्टेड, अर्बन एरियाज में कंजेशन हो रहा है जिसके चलते स्पेस की कमी हो रही है। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर बाय मशीनरी, अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, मैकेनाइजेशन हो रहा है।
मैकेनाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, जिसके चलते अब मैनुअल लेबर की जरूरत कम हो रही है अर्बन एरियाज में, जबकि रूरल एरियाज में चीप लेबर अवेलेबल है, तो हमें मशीन्स में उतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहला क्या हुआ, स्पेस, लिमिटेड स्पेस है अर्बन एरियाज में। दूसरा क्या है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तीसरा क्या है, लेबर जो है ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो लेबर की जरूरत नहीं है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर बाय मैन्युफैक्चरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कंटीन्यूअस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि रूरल एरियाज में जरूरत नहीं है। आगे चलिए देखते हैं। सेकंड है प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंस। जब आप अर्बन एरियाज में कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसका कॉस्ट जो है बहुत अधिक हो जाता है, जब आप रूरल, क्योंकि वहां पे लैंड का कीमत है, वहां पे वेजेस का कीमत है, आपको टैक्सेस पे करने हैं, ठीक है। लेकिन जब आप रूरल एरियाज में किसी को कोई आइटम प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट इन सिटीज देन इन रूरल एरियाज, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाता है। आपने कम पैसा लगा के कोई चीज प्रोड्यूस किया और उसको महंगे में बेचा तो क्या हुआ, आपका इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है, इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है और मार्जिन जो है आपका अधिक हो जाता है। टीम ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंस, अर्बन एरियाज में कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि लेबर कॉस्ट ज्यादा है, रेंट का जो स्पेस का रेंट है वो ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, जबकि रूरल एरियाज में उसका बेनिफिट है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज मूविंग फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज। आगे देखो, थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, चूंकि अर्बन एरियाज में बहुत महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोकेशन बहुत महंगा होता चला जा रहा है, रेंटेड स्पेस बहुत कम होते जा रहे हैं, उसके अलावा प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन का एक खतरा है, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन सब चीजों को देखते हुए हो सकता है कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो कैपिटलिस्ट हैं वो अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में शिफ्ट हो रहे हैं। बट जो भी हो, अगर ऐसा भी है तो भी रूरल इकोनॉमी डेवलप हो रही है और अब एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव कर रही है, इसको आप पढ़ेंगे। नाउ पोस्ट एलबीजी रिफॉर्म्स 1991, इंपोर्ट कंपटीशन इंटेंसिफाइड फॉर मेनी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, फोर्सिंग देम टू लुक फॉर चीपर मेथड्स एंड लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद से हमारे पास क्या हुआ, हमारे कंट्री में क्या हुआ, इंपोर्ट होना शुरू हुआ और बहुत सी कंट्रीज ने अपने दुकान लगाने शुरू किए, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया, कंपटीशन बढ़ता चला गया। जो बड़ी कंपनीज थी उन्होंने आके अर्बन सेंटर्स में अपने दुकान खोल लिए, लेकिन जो हमारे होम ग्रोन कंपनीज थी उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं था, उनके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था, तो उन्होंने अर्बन एरियाज के बजाय रूरल एरियाज में माइग्रेट करना शुरू किया। लेकिन ये स्पीड बहुत कम था, पिछले 20 सालों में ये स्पीड बहुत बढ़ा हुआ है और इसके चलते बहुत से अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। नाउ सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि पहला चैलेंज क्या है, फर्म्स रीप द बेनिफिट्स ऑफ लोअर कॉस्ट वी आर लोअर रेंट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीम्स टू बी हायर फॉर फर्म्स ऑपरेटिंग इन रूरल साइट। टीम एक चीज और भी है कि हमें चीप लेबर तो अवेलेबल है, रेंट भी अवेलेबल है, प्रॉपर्टी के दाम भी बहुत कम है, लेकिन ऑपरेशन कॉस्ट अधिक हो जा रहा है। क्यों अधिक हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के चलते, मार्केट एक्सेस के चलते। टीम रूरल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत कम में आपका काम हो जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनपुट कॉस्ट जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट है। क्यों, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो सकता है, उसके अलावा मार्केट बहुत दूर दूर हो सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑनलाइन सर्विसेज की तरह नहीं है ना, आप कोई सामान भेजते हैं बेचते हैं तब। अब मान लीजिए कि हमारे लखनऊ में अगर कोई, या मान लीजिए कि यूपी बिहार के बॉर्डर पे अगर आपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा भी लिया, लेकिन उसका मार्केट अगर दिल्ली में है, तो वो इनपुट कॉस्ट जो आपने सेव किया था पैसा, वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है कि लैक ऑफ स्किल शॉर्टेज। टीम स्किल शॉर्टेज, पहला तो क्या है, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत अधिक है, दूसरा क्या है, स्किल शॉर्टेज। और इसको, इन दोनों चीजों को हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपने स्किल्ड वर्कर्स को स्किल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी स्कीम्स चला दिया है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत से इनिशिएटिव होंगे लेने चाहिए, ताकि ये जो इनका ऑपरेशनल कॉस्ट है, ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो सके। सो चैलेंजेस क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट और लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। एक बार तो टीम ये रहा आर्टिकल, ये रहा आर्टिकल। अब जरा एक बार समराइज कर लेते हैं, आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से, हम इसको समराइज कर लेते हैं। द राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग,
टीम करें समराइज, टीम समराइज करें। टीम समराइज करते हैं, चलिए समराइज ये करते हैं इस आर्टिकल के हिसाब से, बोल के देख लेते हैं। इस आर्टिकल के हिसाब से इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो लोगों का कॉमन परसेप्शन है कि अर्बन एरियाज में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सस्टेन करता है, तो ये गलत है। पिछले दो दशकों में अगर देखा जाए तो अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है, लेबर कॉस्ट का बहुत कम होना, प्रॉपर्टी के रेट्स का कम होना और स्पेस की अवेलेबिलिटी होना। इन चीजों के चलते पिछले दो दशकों में अकॉर्डिंग टू एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया के हिसाब से पिछले दो दशकों में मैसिव लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अर्बन एरियाज से लोकल रूरल एरियाज में ट्रांसफर हो रही हैं, जो लगभग 50% इंडिया के टोटल मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी को, उसका 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है, चैलेंज ये है कि रूरल एरियाज में ऑपरेशन कॉस्ट बहुत अधिक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज्यादा हो सकता है या मार्केट एक्सेस करने में बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती होगी, तो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है और स्किल्ड लेबर फोर्स का भी कमी है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन दो बातों को ध्यान देना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया को अगर चहुमुखी विकास, टीम चहुमुखी विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात बोलें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो एक्सेसिव लेबर फोर्स है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माइग्रेट कराने की जरूरत है, जिसके लिए उनको स्किल करना पड़ेगा, उनको स्किलिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद से इंडिया में हर जगह हर एक एरिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट हो सकता है, जिसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी है लोगों को अब्सॉर्ब करने की। और इस तरीके से इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है और स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़े पैमाने पर कम हो सकता है और हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ मोमेंटम लेके चल सकते हैं। और अगर कहा जाए कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया के पास सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है और इंडिया का डेमोग्राफिक विंडो हमारे पास, यानी कि सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग अगले 30 साल तक हैं। लेकिन अगर अगले 30 साल तक हमने इंडिया के इस यंग पॉपुलेशन को अगर सही तरीके से ट्रेन नहीं किया, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी, अच्छा एजुकेशन नहीं दिया, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगा। दैट्स इट। टीम क्लियर है? टीम इज दैट क्लियर? टीम क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्लियर हुआ? आगे चलो, फिर चलते हैं ईटिंग आर नेक्स्ट अगली फ्रॉग। यहां पे हाउस पैनल फ्लैग्स कैजुअल अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट ओवर सेटिंग अप डिसेबिलिटी सेंटर। इंडिया में सिर्फ 50 से 60 डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ठीक है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा है, अपने रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया में सिर्फ 55 से 60 डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर है। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, हम डिसेबल लोगों के लिए बहुत से हमारे पास स्कीम है, लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिसेबिलिटी जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया के पास डिसेबिलिटी सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वो बहुत ही कम है। आगे देखते हैं, ये शो करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का ये कैजुअल अप्रोच दिखाता है। ये भी कहता है कि गवर्नमेंट को एक प्रॉपर रोड मैप ले करने की जरूरत है और टाइमलाइन बनाने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिसेबिलिटी सेंटर एस्टैब्लिश हो जाए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रतिमा भौमिक ने यह कहा है कि दिसंबर 8 तक 269 डिसेबिलिटी सेंटर जो हैं वो एस्टैब्लिश हो चुके थे, मतलब बहुत ज्यादा हो गए। प्रतिमा भौमिक कहती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से कि 269 डिसेबिलिटी सेंटर एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं अक्रॉस द कंट्री। कमेटी का यह भी कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का यह कैजुअल अप्रोच है, ठीक है, इसमें इनहेरेंट डिफिशियंसीज हैं, क्लियर कट पाथ नहीं है, क्लियर कट टाइमलाइन नहीं है, जिसके अंतर्गत हम डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर हम एस्टैब्लिश कर सके। टीम इस बार के योजना मैगजीन में योजना दिसंबर 2022 की अगर हम बात बोलें तो एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, योजना दिसंबर 2022 के आर्टिकल में स्पेशल अटेंशन दिया गया है यूनिवर्सल पब्लिक डिजाइन।
यूनिवर्सल पब्लिक डिजाइन टीम, जरा एक बार दिल से पढ़ लीजिए मेरे साथ, क्योंकि अगर आप मेरे लाइव क्लासेस में मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख के नहीं समझ पाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख के नहीं समझ पाएंगे। इस बार योजना के एडिशन में यूनिवर्सल पब्लिक डिजाइन के बारे में बोला गया है। अगर हम अपने स्कूल्स को देखें टीम, अगर हम अपने स्कूल्स को देखें, हम अपने कॉलेजेस को देखें, हम अपने ट्रेन्स को देखें, हम अपने पब्लिक टॉयलेट्स को देखें, हम अपने यूनिवर्सिटीज को देखें, हम अपने रिक्रिएशनल पार्क्स को देखें, तो कहीं पे भी आपको डिसेबल फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं दिखेगा। इंडिया में आपको डिसेबल फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं दिखेगा, डिसेबल फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं दिखेगा। इंडिया का 2.2% पॉपुलेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके के डिसेबिलिटी से जूझ रहा है। टीम इंडिया का, चलिए डेटा ले लेते हैं, इंडिया का 2.2% पॉपुलेशन, ये दिख रहा है स्क्रीन पे या कलर चेंज करूं? इंडिया का 2.2% पॉपुलेशन एट 130 करोड़, 130 करोड़ में अगर 2.2% पॉपुलेशन अगर डिसेबल्ड है तो टोटल पॉपुलेशन कितना होगा? इंडिया का 2.2% पॉपुलेशन डिसेबल्ड है, इंडिया का 2.2% पॉपुलेशन अगर डिसेबल्ड है तो आप मुझे बताइए कि 130 करोड़ की आबादी वाले में कितने करोड़ लोग डिसेबल हैं, कितने करोड़ लोग डिसेबल हैं, कैलकुलेट करके बताइए। आपके सी सेट का थोड़ा प्रैक्टिस करा दूं मैं, इंडिया का 2.2% पॉपुलेशन जो है वो डिसेबल है, तो मुझे बताइए 130 करोड़ के हिसाब से कितने करोड़ लोग डिसेबल हैं। एक और 26 करोड़ बना दिया, एडवांस क्लासेस बाय एमके सर 26.30 करोड़। नहीं बाबा सुनो, आप सुनो एक और चीज, अब अगर ये मान लिया 2.6 करोड़ अगर ये पॉपुलेशन है और हमारे पास अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अगर हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अगर एक्सेसिबल इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 2.6% 2.6 करोड़ पॉपुलेशन जो इंडिया का है वो किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी से महरूम है, किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट एक्टिविटी, या 2.6 करोड़ लोग इंडियन इकोनॉमी को कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल पब्लिक एक्सेस नहीं है, यूनिवर्सल पब्लिक डिजाइन नहीं है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, टॉयलेट, रोड, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कहीं भी देखा जाए तो दे आर नॉट डिसेबल फ्रेंडली। यही बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, क्योंकि इस बार चांसेस हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। टीम क्लियर है? हमारे पास यूनिवर्सल पब्लिक डिजाइन नहीं है जिसके चलते ये लोग इंप्लॉयमेंट का हिस्सा नहीं है और ये इंडियन इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम कीवर्ड नोट कीजिएगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे चलो, एक बार ये योजना का ही लिया है, योजना में डायग्राम है, डायग्राम बना के आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन एज वेल, डिस्कवरी, डेफिनेशन, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ये डायग्राम सारा योजना का है। देखिए किस तरीके से हमने यूनिवर्सल पब्लिक डिजाइन बनाया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑडिटिंग कराई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑडिट कराया है और इंश्योर किया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस जो है, सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल है किसके लिए, डिसेबल लोगों के लिए। क्लियर है टीम? उसके अलावा हमारे अर्बन सेंटर्स जो हैं, आर दे हैव दे बीन डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द वेलबींग, क्या हमारे अर्बन सेंटर्स, हमारे अर्बन पार्क जो हैं, क्या वो इस तरीके से डेवलप किए गए हैं ताकि लोगों का हेल्थ एंड वेलबींग का ध्यान रखा जा सके। तो ये दो योजना के आर्टिकल्स हैं, आप जरूर कवर कीजिएगा। टीम क्लियर? योजना दिसंबर 2022,
थीम योजना दिसंबर 2022 का है, मैंने शेयर किया था इसको। आगे चलते हैं, कुछ और आर्टिकल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करते हैं, उसके बाद से हम करेंगे। यस, जो सबसे बड़ा न्यूज आ रहा है वो आ रहा है आपका यहां से, मैंने इमेजेस गलत लगा दिए हैं। यस, ये न्यूज, अंडरस्टैंडिंग द फ्यूजन एनर्जी ब्रेक थ्रू अनाउंस्ड बाय यूएस साइंटिस्ट। यूएस साइंटिस्ट ने फ्यूजन एनर्जी ब्रेक थ्रू किया है। इसका मतलब यह है कि फ्यूजन एनर्जी के थ्रू हम अबंडेंट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और वर्ल्ड में जितना भी एनर्जी से रिलेटेड क्राइसिस है उसको हम दूर कर सकते हैं। टीम, फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है? टीम, फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस है? हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं, जो सन के अंदर रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है फ्यूजन और फ्यूजन के स्टेटमेंट को लेके, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको ट्रैप किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा, पहले इस न्यूज के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन के बारे में। नाउ एक बार देखते हैं, यह है आपका आईटी यार्ड्स टोकामैक मशीन, जहां प्लाज्मा को कंडक्ट किया, न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। ये सारे इमेजेस हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है जहां पे ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। नाउ एक बार हम समझते हैं, साइंटिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम अचीव्ड नेट गेन इन एनर्जी फ्रॉम अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू साइंटिस्ट ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहली बार नेट एनर्जी गेन किया है फ्रॉम अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये बहुत बड़ा कदम है और ये 10 सालों से चला हुआ एंडेवर है जिसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं, जो इस मास्टर टेक्नोलॉजी को मास्टर करना चाह रहा है। ये अगर अगर ये सक्सेसफुल होता है तो वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ये वर्ल्ड का मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा और किसी भी देश को एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इतना आसान होता तो कर लिया होता, 10 साल नहीं लगते, 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को हम समझते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन को समझिए। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? स्प्लिट्स अ लार्ज एटम इनटू टू और मोर स्मॉलर वंस। सो फ्यूजन में क्या होता है कि एक एटम होता है, इसको ये दो में तोड़ देता है। ये क्या हुआ? न्यूक्लियर फ्यूजन। सन के अंदर जो रिएक्शन है वो इसी तरीके से होता है और इस तरीके से अबंडेंट एनर्जी पैदा होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? ये जोड़ देता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन दो और उससे ज्यादा एटम्स को जोड़ देता है और अबंडेंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में वो एटम को क्रैक कर देता है, यानी यहां माइनस लगा लो और यहां प्लस लगा लो। ठीक, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बताओ, गिव मी अ थम्स अप। टीम बेसिक समझो, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बेसिक समझते हैं पहले बच्चे लोग, जब आप यहां पे क्लास में नहीं पढ़ते हैं और आप उल जलूल की बकवास करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या होता है? जीरो बटा सन्नाटा। क्या होता है? जीरो बटा सन्नाटा। तो जीरो बटा सन्नाटा ना हो, तो सबसे पहले बेसिक समझो। फ्यूजन का सिंपल सा मतलब हुआ कि इसमें एटम को तोड़ा जाता है, और फ्यूजन का मतलब क्या है कि इसमें दो और लाइटर एटम्स को जोड़ा जाता है, दोनों में एनर्जी जनरेट होती है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू कैसे है? न्यूक्लियर फ्यूजन में ह्यूज एनर्जी इन्वॉल्व होता है। इतना एनर्जी इन्वॉल्व होता है और अभी तक ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जितनी एनर्जी इसमें लगती है वो इतनी ज्यादा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इससे कम होती है। फ्यूजन के लिए 10 times मोर, फ्यूजन से 10 गुना ज्यादा एनर्जी इसमें लगती है और इसका रिजल्ट कई बार ऐसा होता है कि जितनी एनर्जी लगाई है उतनी एनर्जी जनरेट नहीं हो पाती। इसीलिए एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, क्योंकि फ्यूजन का 10 गुना एनर्जी जो है फ्यूजन को एटम्स को जोड़ने में लगता है और उसके बाद से एनर्जी जनरेट होती है। यह सबसे बड़ा चैलेंज है। आगे चलते हैं, द प्रोसेस दैट मेक द सन एंड ऑल अदर। फ्यूजन में क्या होता है कि फ्यूजन में सन और जितने भी स्टार शाइन करते हैं, जो रेडिएट करते हैं अपनी एनर्जी को, इन सब के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी एटम्स जो है ब्रेक होते रहते हैं, ठीक है, एटम्स ब्रेक होते रहते हैं, स्प्लिट होते रहते हैं और उसमें से एनर्जी, अबंडेंट एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन में
एड होता चला जाएगा, ठीक है, एड होगा। नाउ अटेम्प्ट टू मास्टर द फ्यूजन प्रोसेस हैव बीन गोइंग एटलीस्ट 1950 से लेके फ्यूजन एनर्जी को मास्टर करने के लिए कोशिश की जा रही है और ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। न्यूक्लियर एनर्जी वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से जो हमारे यहां न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है पूरे वर्ल्ड में अभी, वो सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से होती है जिसमें एटम्स को क्या किया जाता है, क्रैक होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। नाउ फ्यूजन एनर्जी में न्यूक्लियस ऑफ टू लाइटर एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, एक दूसरे से कोलाइड, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है, रिप्ड अपार्ट। Now a large amount of energy is released in both process, but substantially more in fusion than the fission. अगर देखा जाए तो fission energy में भी generate होता है energy और fusion energy में भी generate होता है, fusion process में भी, लेकिन इससे ज्यादा इसमें होता है, यानी fusion में ज्यादा energy generate होती है in comparison of fission. So besides greater energy yield, एक और भी बात है, fusion is also a carbon free source. Team note कीजिएगा, ये एक carbon free source है। एक तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, दूसरी चीज कार्बन फ्री सोर्स है और नेग्लिजिबल रेडिएशन रिस्क है। टीम क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? आपको पहाड़ नहीं लेके आना है, आपको संजीवनी बूटी खोज के लेके आना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इंडिया का कितना परसेंट एनर्जी न्यूक्लियर से जनरेट होता है? 2%, नॉट इवन 2%, अप्रोक्सीमेटली 2%, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, जिसमें एटम्स को तोड़ा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, जिसमें एटम्स को जोड़ा जाता है। चैलेंज क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन में 10 टाइम्स ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस को एक्टिवेट कराने के लिए। एक और चीज क्या है, यह कार्बन फ्री है, उसके अलावा नेग्लिजिबल न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा है। तो जो हल्ला हुआ था कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को बनाने के टाइम में, वो खतरा खत्म हो जाएगा। टीम लाइफ झींगा लाला हुई कि नहीं ये बताओ, लाइफ में झींगा लाला जैसा कुछ आया कि नहीं, कुछ महसूस हुआ कि नहीं, कुल दिल धड़का कि नहीं? न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन अभी के अभी तैयार करो, यही इसी क्लास में प्रिपेयर करो, बाद में पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो आप, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन हैपेंस ओनली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। चैलेंजेस क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 10 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए और इतनी एनर्जी सिर्फ सन के कोर में होती है। तो सोचिए इस सन के कोर एरिया में जितनी एनर्जी है, उतनी एनर्जी जनरेट करने पे न्यूक्लियर फ्यूजन एक्टिवेट होगा। क्रिएटिंग सच एन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट इन ए लेबोरेटरी रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सन के कोर में जितना हीट है, उतना हीट जनरेट करना पड़ता है, कहां पे उतना हीट जनरेट करना पड़ता है, आपको लेबोरेटरी एनवायरमेंट में सोच के देखिए कि कितना बड़ा सेटअप चाहिए। Now, the energy released in such experiment fusion reaction have been lower than what is consumed. तो होता क्या है कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, उससे कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यानी कैंडल जो है वो केक से महंगा हो गया। कैसे याद रखोगे? अभी चैलेंज क्या है, पहली बात तो यह है कि न्यूक्लियर फिजन का 10 टाइम्स ज्यादा एनर्जी लगता है इसको एक्टिवेट करने में। दूसरी चीज क्या है कि कैंडल जो है ना वो केक से ज्यादा महंगा हो गया है, यानी कि जितनी एनर्जी हम लगाते हैं, जितना इनपुट है एनर्जी का, उससे कम अगर आउटपुट होगा तो क्या होगा, बेकार है। तो पहला क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन एटम्स को जोड़ते हैं, दो लाइटर एटम्स को जोड़ते हैं, 10 गुना एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, कार्बन फ्री होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा नहीं होता। चैलेंज यह है कि सन के कोर में जितनी एनर्जी है, उतना एनर्जी आपको, उतनी हीट चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए एक लेबोरेटरी सेटअप में। अभी चैलेंज जो आ रहा है वो ये है कि अभी भी जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करता है ये प्रोसेस, उससे कम एनर्जी जनरेट करता है, जिसके चलते ये चैलेंज बना हुआ था। लेकिन यूएस साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने नेट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अचीव कर लिया है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के एक्सपेरिमेंटेशन में जितनी एनर्जी लगाई थी, उतना एनर्जी उन्होंने गेन कर लिया है, जो कि ब्रेक थ्रू है। और आने वाले दिनों में अगर यह टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होता है तो वर्ल्ड में एनर्जी का क्राइसिस कहीं भी नहीं रहेगा। यूरोप को रशिया के ऊपर ऑयल के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है, न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं होगा, सस्टेनेबल है। टीम क्लियर है? टीम क्लियर है? फ्यूजन स्टिल फार फ्रॉम रियलिटी, अभी भी चैलेंजेस हैं इसके। उसके अलावा दो अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू इसको कंडक्ट किया जाता है, ये आप खुद देखेंगे। एंड यस, ITER प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। 2005 में ITER प्रोजेक्ट को इंडिया ने लॉन्च किया था, पार्टिसिपेट किया था। द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च इन अहमदाबाद एक लेबोरेटरी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट कर रही है इस प्रोजेक्ट में। इसमें बहुत से कंपोनेंट जो है ITER के इंडिया प्रिपेयर कर रहा है, इस पर रिसर्च चल रहा है जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। टीम
न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन क्लियर है? टीम न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन क्लियर है? बच्चे न्यूक्लियर फिजन होता है आशीष, न्यूक्लियर फिजन होता है, उसमें एटम्स ब्रेक करते हैं। सन के अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है, स्टार्स के अंदर जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो रेडिएट करते हैं एनर्जी, उनके अंदर क्या है, सन के अंदर वो न्यूक्लियर फिजन होता है, एटम्स ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद चेन रिएक्शन होता रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, उसमें एटम्स जुड़ते हैं। क्लियर है? टीम एक मिनट रुके, ये क्या हो गया देख लेते हैं। टीम जस्ट अ मिनट, अभी क्या अभी थैंक यू एक मिनट रुक जाए टीम। टीम चले मेन टॉपिक पे आते, एंड दिस इज हैड बीन टेकन टीम। ये इंडियन एक्सप्रेस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एक्सप्लेन्ड सीरीज है उससे लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन्ड सीरीज। एक बात और चलते हैं, एक और भी चीज है जो आज इंडिया ने बोला है। चाइना प्लान्स 143 बिलियन पुश टू बूस्ट चिप्स कंपीट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना ने 1 trillion yuan यानी 143 बिलियन जो है सपोर्ट पैकेज दिया है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। ये मेजर स्टेप है सेल्फ सफिशिएंसी के लिए टू काउंटर यूएस मूव एम्ड एट शोइंग इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो चाइना ने फिर से ताइवान और चाइना का इशू आप लगातार देखते चले आ रहे होंगे, इस चैलेंज से निपटने के लिए चाइना ने फिर से अपना $143 बिलियन का चिप सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का फैसला किया है। ठीक है, बिगेस्ट फिस्कल इंसेंटिव पैकेज है 5 सालों में जो चाइना ने दिया है। सब्सिडीज एंड टैक्स क्रेडिट है टू बोल्स्टर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और रिसर्च एक्टिविटीज। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सब कुछ टीम सिंपली आपको एक समरी ले लेना है। समरी क्या है, समरी यह है कि नाउ वर्ल्ड सुपर पावर टीम, इतने बड़े आर्टिकल को समराइज कैसे करना है, इतने बड़े आर्टिकल्स को समराइज कैसे करना है, इसमें यह नहीं देखना है कि टैक्स कितना दिया है, डेटा भी याद रखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। वर्ल्ड सुपर पावर्स आर कंपीटिंग, वर्ल्ड सुपर पावर्स आर कंपीटिंग फॉर सेमीकंडक्टर वॉर, फॉर सेमीकंडक्टर सुप्रीमेसी, सेमीकंडक्टर मार्केट कैप्चर, इस तरीके का स्टेटमेंट बना लो टीम, एक आर्टिकल को कवर करने के लिए एक बना लो। टीम इस तरीके का एक आर्टिकल बना लो, स्टेटमेंट बना लो। बना लिया, अब आगे चलते हैं। जरा हम एक बार डेटा ले लेंगे कि आपका
न्यूक्लियर कह रहा हूं मैं, आपका कैसे यूज होता है सेमीकंडक्टर चिप, कौन कौन से इंडस्ट्रीज में यूज होता है, बायो लेवलिंग में, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग में, ट्यूनेबल एनर्जी में, लार्ज एरिया कंपैटिबिलिटी, यानी वर्ल्ड की जितनी भी क्रिटिकल एजेंसीज हैं उन सब में इनका यूज होता है। वर्ल्ड की जितनी भी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हैं जहां की आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है उन सब जगह आप इसका यूज करते हैं न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर का। मैंने यहां पे सेंट्रल रोल एंड स्ट्रेटजी लिखा हुआ है कि क्या सेंट्रल रोल है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का टेक्नोलॉजी के फील्ड में और जियोपॉलिटिकल रेस में। टीम, एक क्वेश्चन आया था कि टेक्नोलॉजी हैज टेकन अ सेंटर स्टेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। टेक्नोलॉजी एक मुद्दा बन गया है इंटरनेशनल रिलेशन। आज चाइना यूएस आपस में वॉर करने पे तुले हुए हैं। ताइवान जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मेकर है, यहां पे मैंने पूरा डेटा दिया हुआ है कि यूएस का डोमिनेंस कितना है ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। ये यूएस का है, जापान का है, ताइवान का है, यूरोप का है और ये चाइना का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। यहां पे देख लीजिए, सेमीकंडक्टर एंड द यूएस चाइना इनोवेशन रेस। सेमीकंडक्टर्स अदरवाइज नोन चिप्स भी कहा जाता है, ये क्रिटिकल कंपोनेंट हैं किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में, सिक्योरिटी में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में। ये अगर देखा जाए तो पोस्टेज स्टैम्प से भी छोटे हैं, ह्यूमन हेयर से भी छोटे हैं, पतले हैं। 40 बिलियन कंपोनेंट्स होते हैं एक पोस्टेज स्टैम्प के बराबर के सेमीकंडक्टर में। अगर देखा जाए तो इनका कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कंट्रीब्यूशन को भी एक्सीड कर जाता है। नाउ अगर स्मार्टफोन से लेके पीसी तक, पीस मेकर से लेके इंटरनेट तक, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से लेके एयरक्राफ्ट तक, हाइपरसोनिक वेपन से लेके सेमीकंडक्टर्स आर यूबिक्यूटस, हर जगह सेमीकंडक्टर्स हैं, तो आपको सेमीकंडक्टर्स के यूसेज के बारे में पूछा जा सकता है। टीम, सेमीकंडक्टर के यूसेज के बारे में पूछा जा सकता है। टीम, सेमीकंडक्टर के यूसेज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इन सबको अच्छे से आप याद रख लेंगे, ठीक है। मैंने यहां पे इन सारी टेक्नोलॉजीज, जो भी आपके सामने टेक्नोलॉजीज दिख रही हैं वर्ल्ड की सुपर 30 टेक्नोलॉजीज, ये सारी टेक्नोलॉजीज जो वर्ल्ड में हैं वो सेमीकंडक्टर पे बेस्ड हैं। टीम, ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो सेमीकंडक्टर पे बेस्ड हैं। क्लियर है टीम? टीम, इज दैट क्लियर? ये सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज जो वर्ल्ड की सुपर पावर टेक्नोलॉजीज हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स। इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेमीकंडक्टर के बारे में क्या क्या डिसीजन लिए हैं ये देखेंगे एक बार। सेमीकंडक्टर के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या कंडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, 2.3 लाख करोड़ का पोजिशन इंडिया ने दिया है ग्लोबल हब बनाने के लिए। 76,000 करोड़ अप्रूव्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। उसके अलावा सेमीकंडक्टर मिशन इंडिया ने लॉन्च किया है। तो इस तरीके से आप कैबिनेट का डिसीजन देखेंगे, 15 दिसंबर 2021 को इंडिया ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च कर दिया है। तो जरूरत इस बात की है कि आप अच्छी तरीके से समझें कि सेमीकंडक्टर के यूसेज क्या है, वर्ल्ड में रेस कैसे चल रहा है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का जो है वो क्या इसमें रोल है। आगे कुछ और आर्टिकल्स हैं जो क्रिटिकल नहीं है, ये जो क्रिटिकल थे मैंने कवर किया। इंडिया में बी फर्स्ट टू होल्ड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में, इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि किस तरीके से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है वो इंडिया जो है वर्ल्ड की पहली कंट्री होने जा रहा है जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेगा। नाउ ये स्पेक्ट्रम क्या है? टीम, व्हाट इज दैट स्पेक्ट्रम? अगर देखा जाए तो अर्थ के चारों तरफ हमारे पास क्या होता है, ये इनविजिबल रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो वायरलेस सिग्नल्स को ट्रैवल कराती हैं। इनविजिबल हमारी आंखों से नहीं दिखती, ये इनविजिबल रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं जिसके थ्रू हम मैसेजेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वर्ल्ड में भेजते हैं। ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं, इन्हीं को ऑक्शन करने के बारे में बात हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड आप देखेंगे रेडियो है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव है, विजिबल लाइट वेव है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज है और गामा रेज है। ये सारे रेज जो है ये स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां से रेडियो, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दिया है, थोड़ा सा आपको नज कर दिया है। गिव मी वन मोमेंट। एक मिनट रुक जाइए। Give me one second.
सो एक स्पेक्ट्रम के बारे में आप ध्यान से देंगे क्योंकि इस पे क्रिटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको. इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, ओनली 1/4 ऑफ द सैंक्शन सोलर प्रोजेक्ट्स हैव बीन टेकन ऑफ. अभी तक जितना भी हमारा कमिटमेंट था, इंडिया ने कमिट किया था कि हम 175,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है 2022 तक अचीव करेंगे, जिसमें 100,000 जो है वो हम सोलर पावर से लेके आएंगे. एज ऑफ नाउ दिसंबर की अगर बात बोलें तो सिर्फ 60,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पावर से आ रहा है. ये इसमें क्रिटिकल है. सो ओनली 1/4 ऑफ द सैंक्शन प्रोजेक्ट. टोटल हमारा कमिटमेंट कितना था, 175,000 जो हमारी एनर्जी होगी वो आएगी रिन्यूएबल एनर्जी से, जिसमें 100,000 मेगावाट जो है वो हम लेंगे सोलर पावर से, जिसमें 60,000 मेगावाट जो है वो अभी सोलर पावर से गेन हो रहा है. तो कोई क्रिटिकल अचीवमेंट अभी, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल में नहीं है. मैंने ऐड किया है क्योंकि इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया था कुछ सालों पहले. सो काइंडली इस डेटा को जरा ध्यान से देखिएगा. इंडिया यूके एफटीए टॉक्स रीस्टार्ट विद गोयल, यू नो, बैडनॉक मीट. कोई क्रिटिकल इसमें नहीं है, इट जस्ट स्टार्टेड. क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले यूके में जो उथल पुथल मचा था मिस्ट्रस लिस ट्रस के रिजिग्नेशन के बाद से, फिर ऋषि सुनक के आने के बाद से, और कुछ और लोगों के स्टेटमेंट के चलते इसमें कुछ खटास सी आ गई थी. इट हैज जस्ट टेकन ऑफ. क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है इस इन्फॉर्मेशन में. इट्स ओनली द टी, यू नो, रीस्टार्टिंग ऑफ यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में बातें हुई हैं. यह आर्टिकल मैंने कवर किया है आज के लिए डिसेबिलिटी के लिए. एडिटोरियल हमने कवर किया हुआ है आज के लिए बहुत बड़े लेवल पे, ये मैसिव लेवल पे कवर किया. उसके अलावा, इज योर ऑर्गेनाइजेशन टू डेट विद एनुअल पॉश प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, पॉश के बारे में है. ये आपके एजुकेशन सेक्शन का था, मैंने लिया है इसमें सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस और ये वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे इंपैक्ट करता है, इसके बारे में हमने पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया है, ठीक है, पूरा इंफॉर्मेशन दिया है. और जो आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के बारे में जो डाउट है, उसमें आप इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सीरीज उठा के देख लीजिएगा. वो डेटा और वो कंटेंट जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सीरीज से लिया गया है. काइंडली हैव अ लुक एट इट. नाउ ये इमेज था. देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है, दे हैव विजिटेड द प्लेस और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट को क्रिटिसाइज किया गया है कि उनका कोई हक नहीं बनता है इंडिया के इंटरनल मैटर में दखल देने का. ये एक सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशन, जिसमें 57 स्टेट्स हैं. ये कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड है एंड दे आर ऑलवेज नेगेटिव अबाउट इंडिया. तो इस बार भी उन्होंने अपना कमेंट किया है इस इंसिडेंट के बाद से और इसीलिए इनका नाम आ रहा है. हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. Now, OIC chief visits, PLA blames India for latest face-off, or Chinese trying to change LAC status quo, Rajnath Singh, कल मैंने ये आर्टिकल कवर किया है. क्रिटिकल इसमें कुछ भी नहीं है. ईट योर अगली फ्रॉग और एक बार इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सीरीज जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा. टीम काइंडली हैव अ लुक एट इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड सीरीज. टीम इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड सीरीज मैंने कवर किया है, हैव अ लुक एट इट और अगर कोई क्लैरिफिकेशन होगा तो मैं जरूर आपको दूंगा. टीम, आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है, चलते हैं और हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे इसी समय. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. और आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आज का सेक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. दिल से आपके लिए तैयार किया था आज का पूरा रेडियो एफ फ्यूजन और फिजन एनर्जी के बारे में एवरीथिंग. थैंक यू सो मच टीम, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर. गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स. गुड नाइट.